Assalamu alaikum. Today we will be having a conversation with Professor Farida Khanam on spirit of Hajj. As we know that Hajj is the fifth pillar of Islam, and it is incumbent upon only those Muslims who have the ability to undertake it once in their lifetime. Hajj is the journey to God, and it represents the ultimate closeness to God while living in this world. While other acts of worship are ways of remembering God, Hajj is the way of reaching Him. तो चलिए आज बातचीत करते हैं हज के बारे में फरीदा आपा के साथ. अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, और आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आपा, वन स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ हज इज दैट इट मेक्स पीपल रिमेंबर गॉड्स स्कीम ऑफ थिंग्स. तो मेरा पहला सवाल यही है कि व्हाई इज हज कॉल्ड द सुपीरियर फॉर्म ऑफ वर्शिप, इसके बारे में हम सबको बताइए. हज को एक बहुत हज एक बहुत अजीम इबादत करार दी गई है. अजीम इबादत, अफजल इबादत. असल में हज में तमाम जो इबादत हैं उसका एक बिल्कुल तमाम इबादत के फवायद हज की इबादत में मिलते हैं. तो इस वजह से हज को एक अफजल इबादत कहा गया है. मतलब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाकायदा लोग बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ नमाज़ें के अलावा नफिल नमाज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. तो नमाज बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर इंसान अपने आप को बिल्कुल अपने घर बार छोड़कर, बिल्कुल अपने तमाम मशागिल को छोड़कर वहाँ जाता है. तो दिन रात वो इबादत में लगा रहता है. और रोज़े में जो हमें करना होता है वो ये कि बहुत उसमें रोज़े में हमें बहुत मशक्क़त उठानी पड़ती है. भूख प्यास की मशक्क़त, नींद की हमको बार बार नींद हमारी वो पूरी नहीं होती, बहुत सारी बातें होती हैं. तो वो सारी मशक्क़त जो है वो हमको हज में आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इबादत करनी पड़ती है. तो वो सारी चीज़ें जो रोज़े से हमें मिलती हैं, रोज़े में जो एतकाफ़ है कि भी पूरे फ़वाद हमें वहाँ मिलते हैं क्योंकि वहाँ हम अपने बिल्कुल अपने आप को यकसु होकर वहाँ पर खुदा के हुजूर में, खुदा के यहाँ इबादत करते हैं, खुदा से दुआएं मांगते हैं. फिर ज़कात की इबादत भी उसमें शामिल हो जाती है क्योंकि हमको उसमें माल खर्च होता है हमारा. तो इस तरीके से तमाम इबादतों का मजमुआ है. लेकिन हज जो है अगर वो स्पिरिट के साथ हो तब उसके सारे फ़ायदे हमें मिलेंगे. अगर सिर्फ महज ज़ाहरी रसूम अदा कर लेना है तो किसी भी इबादत के सिर्फ रसूम अदा करने से हमें वो फ़ायदे नहीं मिलते. तो हमें स्पिरिट का फ़ायदा जो है जब ही मिलेगा जब हम हज को पूरी कैफियत के साथ अदा करें. आजकल क्या रवाज हो गया है कि सब लोग रटी रटाई दुआएं जो हैं रटी रटाई दुआएं पढ़ते रहते हैं. तो वो किताबें होती हैं हज की दुआओं पर, तो उसी को पढ़ते रहते हैं. तो उससे वो सब कैफियत हमारे अंदर नहीं पैदा होती. तो जो दुआएं होनी चाहिए वो हमारे दिल से निकलनी चाहिए. हमारे अंदर खुदा से इतना ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ पैदा हो जाए, हमको खुदा की याद आने लगे, उस वक्त जो हमारे अंदर से दुआएं निकलेंगी तो वो कैफियत वाली दुआएं जो हैं वो खुदा की बारगाह में कबूल होती हैं. तो आजकल तो एक हदीस मैंने देखा कि आखिरी ज़माने में मालदार लोग तफरी के लिए हज करेंगे. तो आजकल हज टूरिज्म भी चला हुआ है कि तो दूसरे लोग जगह जगह टूर करते हैं वहाँ के मकामात देखने के लिए, तारीखी मकामात, ब्यूटीफुल नेचर के सीन्स देखने के लिए. तो बहुत सारे मुसलमान हैं वो हज करने चले जाते हैं. और एक उसमें था कि उलमा जो हैं हज करेंगे शोहरत के लिए और गरीब लोग हज करेंगे वहाँ मांगने के लिए. बहुत ज़्यादा गरीब लोग वहाँ जाते हैं और काफ़ी पैसा इकट्ठा करके लाते हैं. तो हज का सफ़र जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हज में हम जब वापस हों हज से तो पूरी कैफियत के साथ वापस हों.
जो हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ खुदा मैं हाजिर हूँ, ऐ खुदा मैं हाजिर हूँ, तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं बल्कि पूरी हमारे अंदर से वो कैफियत पैदा हो जानी चाहिए कि अल्लाह मैं अपने आप को, अपने माल को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, सब कुछ तेरे लिए हाजिर कर रहा हूँ। अब सिर्फ मुझे अपने आप को तेरे मिशन के लिए डेडिकेट करना है। तो ये है, इसीलिए हज को अफजल इबादत कहा गया है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे से वाजी किया आपा आपने। आपा, देर इज़ अ फेमस कोट दैट देर इज़ अ वुमेन एट द बिगनिंग ऑफ ऑल ग्रेट थिंग्स, एंड मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब वंस यू नो व्हाइल नरेटिंग दिस कोट सेड इन हिज टॉक दैट हजरत हाजरा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल एंड प्रूफ इन ह्यूमन हिस्ट्री कन्फर्मिंग you know the veracity of this quote. Her marvelous sacrifice brought an era in the human history which brought about revolution. To apa main chahunga ki aap role of hajra ko acche se waze kare hum sab ke liye. Hazrat hajra ka role bahut azim hai. Agar unhone ye qurbani na di hoti to aaj tauhid ka inqilab bhi na aata, क्योंकि दुनिया में इतना ज़्यादा शिर्क था, इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशन था कि कोई भी जब पैगंबर आता तो वो कामयाब नहीं होता था, क्योंकि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा सुपरस्टिशन था कि वो पैगंबर की दावत तौहीद को मानने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते थे। तो जब अल्लाह ताला ने 124,000 पैगंबर भेजे और उसके बावजूद तौहीद पर मबनी इनकलाब ना आ सका, तब अल्लाह ताला ने एक प्लानिंग की। उस प्लानिंग के लिए जो ज़बरदस्त कुर्बानी दरकार थी वो एक औरत ही दे सकती थी। वो हज़रत हाजरा ने वो कुर्बानी दी। वो कुर्बानी ये थी कि अल्लाह ताला का ये प्लान हुआ कि आबादी, चूँकि सारी बुराइयाँ आबादी में होती हैं, तो आबादी में लोग शिर्क था, आबादी में सुपरस्टिशन था, आबादी में मॉरल इविल्स थी, तो जब बच्चा पैदा होता तो उसी सोसाइटी में जाकर उसी रंग में रंग जाता था। तो अल्लाह ताला ने प्लान किया कि एक सहरा में एक नस्ल बनाई जाए, और उस नस्ल को जो उस सहरा के जो गैर मुतमद्दिन इलाके में और जहाँ के हर बुराइयों से महफूज एक जगह में एक नस्ल पैदा की जाए, जो नस्ल बाद में आखिरी पैगंबर के साथ उनको सपोर्ट देगी और तौहीद पर मबनी इनकलाब पैदा करेगी। तो हज़रत हाजरा ने यह कुर्बानी दी। जब हज़रत इब्राहिम हज़रत हाजरा को ले गए सहरा में और उनके पास एक छोटा बच्चा था इस्माइल, तो दो तीन दिन के बाद वो जब वहाँ सहरा में छोड़ कर जाने लगे तो हज़रत हाजरा ने कहा कि आप हमें छोड़ कर जा रहे हैं, हम यहाँ सहरा में कैसे रहेंगे, वहाँ तो पानी भी नहीं था, ना कोई इंसान, ना पानी, ना खाना, कुछ नहीं। तो दो तीन बार उन्होंने जब बोला तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ बोले नहीं। तो फिर हज़रत हाजरा ने कहा कि क्या ये आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या खुदा का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहिम ने तब जवाब दिया कि हाँ, ये खुदा का हुक्म है। तो उस वक्त हज़रत हाजरा ने कहा कि अगर ये खुदा का हुक्म है तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। अब आप सोचिए कि आज कोई भी ना मर्द ना औरत सहरा में अकेले रहने के लिए तैयार होगा जी। तो ये बहुत बड़ा हज़रत हाजरा का रोल है, इसको हमें याद करना चाहिए और इससे हमें इंस्पिरेशन हासिल करना चाहिए। तो हज़रत हाजरा वहाँ रहीं, जब पानी की बच्चा रोने लगा पानी से, तो वो दौड़ी सफ़ा और मरवा, एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ 7 बार दौड़ी। उसके बाद अल्लाह ताला ने जमजम का कुआं वहाँ निकाल दिया। तो जब पानी हो जाता है सहरा में तो फिर और लोग दूसरे इंसान जो वो ट्राइबल एज था, तो कोई एक ट्राइब था जुरहम, वो आके वहाँ बस गया। तो धीरे धीरे वहाँ आबादी हो गई और वहाँ सारे जो सहूलियात थी वो शुरू हो गई वहाँ पर। लेकिन फिर भी चूँकि वहाँ पर शिर्क नहीं था, सुपरस्टिशन नहीं था, मॉरल इविल्स नहीं थे, तो वहाँ पर जो लोग पैदा हुए 2,500 के तवालुद व तनासुल से, तो उनके अंदर ये सब बुराइयाँ नहीं थी। अब आखिरी पैगंबर को एक
तौहीद पर मबनी जो इनकलाब लाना था उसके लिए एक बहुत ही एनर्जेटिक नस्ल चाहिए थी। इस नस्ल को हिट्टी ने नर्सरी ऑफ हीरोज़ कहा है। तो बहुत ज़्यादा बहादुर थे वो लोग और झूठ नहीं बोलते थे वो लोग। इस तरह की जो मॉरल इविल्स कही जाती हैं वो उनके अंदर थी ही नहीं। एक बार अगर वो वादा कर लेते तो वादा पूरा करते थे। तो ये लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हद तक साथ दिया और आपको कामयाब किया। तो और वहाँ पर हज़रत हाजरा की वजह से वहाँ पर जब हज़रत इस्माइल बड़े हुए तो वहाँ अल्लाह का पहला घर बना। काबा जो है वो पहला तौहीद का घर है जो हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने मिलकर बनाया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम एक बहुत बड़े पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने उनको क़ुरान में खलीलुल्लाह का लफ्ज़ आया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नी जाएलों का लिन्ना से इमामा, मैंने तुमको तमाम इंसानों का इमाम बनाया। तो इसी नस्ल से तमाम पैगंबर पैदा हुए जो तो पैगंबर हैं जुडाइज़म में हैं और क्रिश्चियनिटी में हैं। हज़रत ईसा और हज़रत यहीया जो हैं लास्ट पैगंबर थे। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सब के सब इसी नस्ल से आए। तो इस नस्ल ने शिर्क को ख़त्म किया और एक ऐसा इनकलाब बरपा किया कि उसमें सारी दुनिया में तौहीद का जो मैसेज जो सारी दुनिया में पहुंच गया। तो अब हमें हज़रत हाजरा से इंस्पिरेशन लेना है। और आज का जो मसला है वो शिर्क नहीं है बल्कि इल्हाद है। आज लोग साइंस की जो डिस्कवरीज़ हैं उनको गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से उन्होंने उससे इल्हाद निकाला, यानी खुदा की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ हम को साइंस एक्सप्लेन कर लेती, हम हर चीज़ को हम साइंस से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये इल्हाद जो है ये उतना ही ज़्यादा गलत चीज़ है जितना कि शिर्क। तो हमें आज अपने आप को डेडिकेट करना है हज़रत हाजरा की तरह और इस इल्हाद को दुनिया से ख़त्म करना है और दोबारा एक 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 तौहीद बेस्ड इनकलाब लाना है। जी माशाल्लाह। आपने जो जैसे अभी कहा कि हज़रत हाजरा से हमें इंस्पिरेशन लेनी है और अपने आप को डेडिकेट करना है उनकी तरह, उससे एक चीज़ और बड़े अच्छे से निकल के आती है आपा कि पोजीशन ऑफ वुमेन इन इस्लाम इज़ सो हाई। अगर हम देखें इस्लामिक हिस्ट्री में, जैसे आज हज़रत हाजरा के बारे में आपने बहुत अच्छे से वाज़े किया, उसी तरीके से हज़रत आसिया का एग्ज़ाम्पल कुरान में आया है, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत उम्मे सलमा जिन्होंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में बड़ा पिवटल रोल प्ले किया। इनफैक्ट यहाँ पे आप मैं वो फिर से दोहराना चाहूँगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल हदीस कि एक शख्स प्रॉफिट के पास आता है और कहता है कि हु डिज़र्व्स माय बेस्ट ट्रीटमेंट। तो तीन दफ़ा वो प्रॉफिट से पूछता है और हर दफ़ा प्रॉफिट कहते हैं योर मदर। चौथी दफ़ा प्रॉफिट कहते हैं योर फादर। तो इससे इतने अच्छे से वाज़े होता है कि पोजीशन ऑफ वुमेन इन इस्लाम इज़ वेरी हाई। इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि हमें इंस्पिरेशन लेना है, पूरी ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो हज़रत हाजरा से, उनके सेक्रीफाइस से शुरू होता है। तो दी कॉमन बिलीफ दैट पोजीशन ऑफ वुमेन इज़ अनइक्वल और इज़ लोअर इन इस्लाम इज़ हाईली मिसप्लेस्ड। ये सब बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज आपने बहुत अच्छे से इसको वाजे किया, जज़ाकल्ला। आप आज का सब्जेक्ट है स्पिरिट ऑफ हज, और जहाँ तक मैं समझाऊँ स्पिरिट ऑफ हज इज़ ऑल अबाउट यूनिटी एंड सॉलिडारिटी। सो इफ़ अ पर्सन परफॉर्म्स हज इन द रियल स्पिरिट देन ही इज़ एबल टू डू अवे विद ऑपोजिशन एंड यू नो अ पर्सन लिव्स इन यूनिटी एंड हारमोनी इवन यू नो इन अ स्टेट ऑफ प्रोवोकेशन। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप हम सबको बताएं व्हाट इज़ द स्पिरिट ऑफ हज। मौलाना साहब की किताब है हकीकत हज, तो उसमें से मैं एक छोटा सा कोट सामने रखती हूँ आपके, उससे बहुत ज़्यादा वाज़े होता है कि हज की स्पिरिट क्या है। तो हज की इबादत एक ऐसी इबादत है जिसमें बहुत सारे अरकान हैं और बहुत सारे हमारे इमोशंस उनसे
जुड़े हुए हैं। तो उसका वो एक छोटा सा कोट है, तो हाजी को ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी दुनिया से निकलकर खुदा की दुनिया में पहुंच गया है, वो अपने रब को छू रहा है, वो उसके गिर्द घूम रहा है, वो उसकी तरफ दौड़ रहा है, वो उसकी खातिर इधर से उधर जा रहा है, वो उसके हुजूर कुर्बानी पेश कर रहा है, वो उसके दुश्मन यानी शैतान को कंकरियां मार रहा है, वो उससे मांग रहा है जो कुछ वो उससे मांगना चाहता है, वो उससे पा रहा है जो कुछ वो उससे पाना चाहता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त हज की इबादत है कि उससे हमें तमाम पूरी जो स्पिरिट इबादत की होनी चाहिए वो इससे एसोसिएटेड है हज से। तो हज को हमें इन पूरी कैफियत के साथ अदा करना है, क्योंकि अगर कैफियत के साथ हज हम अदा नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हज ही एक ऐसी इबादत है जिसमें तमाम तारीख जुड़ी हुई है, तमाम जो पैगंबर आए उनकी तारीख वहाँ जुड़ी हुई है, वहाँ जाकर हम पैगंबरों की याद करते हैं, पैगंबरों ने किस किस मुकाम पर क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी वो सब हमें याद आता है। हज़रत हाजरा की कुर्बानी, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी, हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी और दूसरे तमाम पैगंबरों की कुर्बानियाँ वहाँ याद आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिशन में क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो वो सब याद आ आता है। तो मौलाना कहते हैं कि जो इंसान चूँकि चाहता है कि अल्लाह को पाए, अल्लाह को महसूस करे, जिसको छूना कहा गया वो सिम्बॉलिक है, अल्लाह को फील करे वो, तो वहाँ जाकर वो अल्लाह को फील करता है, जैसे हजरे अस्वद है, तो जब हजरे अस्वद को वो छूता है, उसका बोसा लेता है तो उसको लगता है कि वो खुदा उसको टच कर रहा है, तो उसको ऐसा फीलिंग आती है क्योंकि उससे सारी तारीख जुड़ी हुई है जी। तो इसी तरीके से जब वो सही करता है तब उसको हजरत हाजरा की कुर्बानी याद आती है कि किस तरीके से उन्होंने अल्लाह के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो कितनी उन्होंने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल याद आती है जी। तो वहाँ पहुँच कर ही हमको ये फीलिंग आ सकती है। तो दूर दूर बैठ के हम किताब पढ़ के उतना समझ नहीं सकते। मैं पहले सोचती थी हज की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, तो ये मुझे हकीकत हज पढ़ रही थी तो उससे समझ में आया कि वहाँ जाकर हम खुदा को फील करते हैं, खुदा के करीब अपने आप को महसूस करते हैं। तो जब मैं हरम में हम लोगों ने जब गए थे हम लोग हज करने, तो जब हरम के अंदर दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग अंदर आ गई। तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को रख दिया ताकि बंदे जब वहाँ आए तो उसको फील करें। वहाँ दुआ की जाती है तो दुआ कबूल होती है। तो इस वजह से वो इतने 1500 साल हो गया और लोग जो है जोग दर जोग हज करने के लिए जाते हैं और वहाँ से वो पाते हैं जो वो पाना चाहते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो खुदा के करीब आ गए हैं। मिसाल के तौर पर जब वो तवाफ़ करते हैं तो उनको लगता है कि वो बिल्कुल खुदा के आगे परवानवार घूम रहा है बंदा। तो ये सारी फीलिंग्स वहीं जाकर होती है। तो इस वजह से जो भी जिसको भी मौका हो हज करने का वो ज़रूर एक बार ज़िंदगी में हज करें। तो हज जो है वो फिर वही आ जाता है कि कैफियत के साथ हज करना, ना कि सिर्फ उसके ज़ाहिरी मनासिक को बिल्कुल ठीक ठीक अदा कर देना। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे वो पहली बार ये हज कर रहे थे, क्योंकि हज की जो पहले जो हज चल रहा था हज़रत इब्राहिम के ज़माने से, तो उसमें बहुत बिगाड़ आ गया था। तो अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसको तमाम रसूम को प्योरीफाई किया, उसकी असल शक्ल में उसको लोगों को बताया, तो वो ये हज पहली बार हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों को कई बातें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि तकदीम व ताखिर का मसला था कि कौन रस्म पहले अदा करें कौन बाद में अदा करें। तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते कि हमने सही से पहले तवाफ़ कर लिया, और नहीं तवाफ़ से पहले सही कर ली, इस तरह की बातें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते इफ़ अल वला हरजा,
इफ अलवरा हरजा, कर लो कोई बात नहीं। तो आज कोई ऐसा करेगा तो बहुत ज़्यादा उसको गलत समझा जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पिरिट देख रहे थे। तो आपने कहा कि हरज इसमें है कि तुम किसी इंसान को बेइज्जत करो, तो इंसान की इज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हज के मौके पर तमाम दूसरी दूसरी दूसरे दूसरे लेसन्स भी हमें दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हज के मौके पर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मुतलकन हराम कर दिया गया है। तो अगर किसी को किसी से कोई तकलीफ़ पहुंच जाए, कोई प्रवोक हो जाए, तो उसको सब्र ही करना है। तो अगर हम 40 दिन तक वहाँ, हमारा तकरीबन 40 दिन लग जाता है, मदीने भी जाते हैं, 40 दिन तक हम अगर अब सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो हमारे हमारे अंदर ये जज्बात, हमारे अंदर ये वैल्यूज़ पैदा हो जाएंगी। तो इस वजह से सब्र करना जो है वो बिल्कुल लाजमी करार दे दिया गया है। तो दूसरे वहाँ पर जो मैदान अरफात है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मनासिक है मैदान अरफात में जमा होना, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जैसे क़यामत के बाद जब हम रिजरेक्शन होगा और तमाम इंसान मैदान हशर में जमा किए जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि तमाम लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, खुदा के आगे उनको जवाबदेही करनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब कैफियत जो वहाँ पैदा होती हैं, तो वो इंसान को के साथ बहुत दिनों तक ये फीलिंग्स रहती हैं। तो उसके बाद इंसान स्टडी करता रहे, तो गौर फिक्र करता रहे, उन पर सोचता रहे, तो ये फीलिंग्स जो हैं उसके अंदर कंटिन्यू रहेंगी। जी, जज़ाकल्ला आपा। आपा, अच्छा अगर देखें तो ईद उल अज़हा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ख्वाब से शुरू होता है जो प्रॉफिट इब्राहिम को आया। सो ही हैड अ ड्रीम wherein he saw that he is sacrificing his son Ishmael, but he took the dream literally and he wanted to sacrifice his son. तो मैं चाहूँगा कि आप उसको भी अच्छे से वाजे करें, वो क्या ख्वाब था और क्या उसके मायने थे, इसके बारे में हम सबको बताइए। हाँ, वो ड्रीम जो था कुर्बानी का, अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, तो तीन बार उन्होंने ये ड्रीम देखा। तो अब बेटा कितना सआदतमंद था कि वो राज़ी हो गया कि आपने ड्रीम देखा है तो आप उसको कर डालिए, उस मेरी आँख पर आप पट्टी डाल दीजिएगा, पट्टी लगा दीजिएगा, ताकि मैं मुझे कोई भी इसमें परेशानी ना हो। तो असल में लोग यही समझते हैं कि असल चीज़ जो है वो कुर्बानी है। इसीलिए जब जानवर की कुर्बानी करने के लिए कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनको जोश व खरोश होता है, तो जानवर की कुर्बानी तो असल में सिंबॉलिक कुर्बानी है, जैसा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि कुर्बानी जो थी वो हज़रत इस्माईल की थी। उनके बदले में वो जो दुम्बा की कुर्बानी हुई, तो उसको उसमें कुरान में आया है चैप्टर 37 में, हमने एक बड़ी कुर्बानी के एवज़ उसको छुड़ा लिया। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बड़ी कुर्बानी क्या है। तो बड़ी कुर्बानी हज़रत इस्माईल की कुर्बानी थी, हज़रत हाजरा की कुर्बानी थी, यानी अपने आप को पूरी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ कर देना, खुदा के मिशन के लिए वक्फ कर देना, खुदा के प्लान के आगे अपने आप को बिल्कुल सबमिट कर देना। तो ये बड़ी कुर्बानी थी, और उसकी अलामती कुर्बानी जो है वो जानवर की कुर्बानी है। तो ये लोगों पर वाज़े नहीं है, वो जानवर की कुर्बानी को असल कुर्बानी समझते हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं कि हमने कुर्बानी कर दी है, अब कुछ और करना नहीं है। इसीलिए जो जो खुदाई मिशन है उसके लिए लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो समझते हैं उन्होंने सारे रसूम अदा कर दिए, अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हज़रत इस्माईल की जो कुर्बानी, जो बड़ी कुर्बानी कहा गया है कि बड़ी कुर्बानी के लिए उनको छुड़ा लिया, तो वो थी नस्ल की तैयारी। तो जैसा कि पहले ये वाज़े हुआ है कि एक नस्ल बनानी थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी थे, तो उनको एक बहुत ही मज़बूत टीम चाहिए थी और मिशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इन लोगों ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए से वो
मजबूत टीम फराहम की, और उस टीम जिसको जो सहाबा कहते हैं, तो उस टीम ने पूरी कुर्बानी के साथ, अब वो सहाबा की जो कुर्बानी थी बेमिसाल कुर्बानी, तो उस कुर्बानी की वजह से दीन इस्टेब्लिश हुआ पहली बार तारीख में। दीन तो इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि प्रॉफिट्स को इतने कम फॉलोअर्स मिलते थे कि वो कुछ कर नहीं पाते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी लंबे अरसे के बाद इराक़ से निकले, तो बस उनकी बीवी सारा और उनके भतीजे लूत उनके साथ थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तक काम किया और वहाँ पर चंद लोग साथ थे जो कि कश्ती में आ गए। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी कुर्बानी दरकार थी कि वो अपनी कुर्बानी दे करके एक नस्ल तैयार करें। तो ये है असल कुर्बानी, वो है जानवरी कुर्बानी, अलामती कुर्बानी है जी। आप एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा अगला सवाल लेने से पहले। ये कमेंट भेजा है डॉक्टर साने हसनैन खान साहब ने दिल्ली से। उन्होंने लिखा है, वेरी इंस्पायरिंग टॉक बाय आपा, द सैक्रिफाइस एंड द मिशन ऑफ द प्रॉफिट इब्राहिम इंस्पायर्स अस टू डेडिकेट एंड रीडेडिकेट आवर लाइव्स टू द कॉज ऑफ स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप आपने अभी जैसे सैक्रिफाइस के बारे में हम बात करें, ईद उल अज़हा के लिटिल मायने ही है ईद ऑफ सैक्रिफाइस। तो जो एनिमल सैक्रिफाइस है ये इट इज़ मोर लाइक सिम्बॉलिक दैट हाउ वन मस्ट यू नो सैक्रिफाइस वन्स लाइफ थ्रू आउट द ईयर। तो एक्चुअली क्या मायने हैं एनिमल सैक्रिफाइस के, इसके बारे में आप हम सबको बताएं। असल में ये हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं जी, कि हमें अपनी कुर्बानी देना है। वो एक रिफ्रेश करना है, वो उस कुर्बानी को याद करना है जो हज़रत इस्माइल ने और आपकी नस्ल ने जो कुर्बानी दी थी, उसको याद करने के लिए एक अलामती कुर्बानी है ये जी। तो बस ये एक अलामती कुर्बानी है। असल कुर्बानी तो हमारी अपनी कुर्बानी है। कुर्बानी का मतलब डेडिकेशन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने लिखा है कि डेडिकेट करें हम अपने आप को, अपनी पूरी ज़िंदगी को खुदा के कॉज के लिए, और यही जो है यही असल कुर्बानी यही है जी। जी तो आप इम्पॉर्टेंट टेक अवे मैं कहूँगा, इट्स नॉट अ वन डे सेलिब्रेशन बट इट्स इम्पैक्ट लास्ट द इंटायर ईयर। इनफैक्ट अ पर्सन हैज़ टू ब्रिंग इन हिमसेल्फ यू नो द वैल्यूज़ द हाई वैल्यूज एंड इम्प्लीमेंटेड इन वंस लाइफ। सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आप हज बदल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि हज बदल के क्या मायने हैं, उसके बारे में हम सबको बताइए। हज बदल का मतलब है किसी दूसरे के बदले में हज करना। तो एक बार एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने कहा कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया है और वो सवारी पर नहीं चढ़ सकता। अब सवारी तो उस ज़माने में वही कैमल की सवारी होती थी, तो क्या मैं उसके बदले में हज कर सकती हूँ? आपने कहा हाँ कर सकती हो। तो इसका मतलब है कि जब लोग बीमार हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो वो हज के रसूम को प्रॉपरली अदा नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो किसी और को जो ज़्यादा स्ट्रांग हो उसको भेज सकते हैं। तो आजकल क्या है कि लोग मरे हुए लोगों का हज बदल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा चल गया है। लेकिन ये डिसीज्ड के लिए हज करना उस वक्त ठीक है, सही है, इमाम मालिक ने भी ये बात कही है, जब वो वसीयत करके मरा हो, जब वो उसके लिए तैयारी कर रहा हो, उसके लिए अपने पैसा जमा किया हो, उसने हज करना चाहता हो, उसकी नीयत रही हो हज करने की, मगर मर गया तो हज नहीं कर पाया, तो ऐसे आदमी के लिए हज बदल करना जायज़ है जी। और हज मबरूर किसको कहते हैं आपा, वो भी आप इसके बारे में बताइए। हज मबरूर को लोग समझते हैं कि ऐसा हज कि तमाम गुनाह माफ़ हो गए हों, ऐसा नहीं है। कि अब हमें तो पता ही नहीं कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए कि नहीं माफ़ हो गए, वो तो आखिरत में ही पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा हज जिसमें हमने पूरी कोशिश की हो कि हम कोई गुनाह का काम उसमें ना हमने किया हो, जैसे जैसे हमें बताया गया है तमाम जो हमारी बुराइयां हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें और झगड़ा फसाद ये सब ना करें। जब मैं हज करने गई थी तो मैना में, अब वहाँ तो बहुत गर्मी होती है,
अब वो हर जो पंखा चल रहा था एक ही बड़ा पंखा था, और उसको दूसरे लोग जो अपनी तरफ बार बार कर लेते थे, तो हमें गर्मी लगती थी। तो अब हम ज़्यादा बोल बाल भी सकते थे, लेकिन हम बोलते नहीं थे, क्योंकि हज में बिल्कुल अलाउड नहीं है कि हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, किसी के गलत अल्फाज बोलें, तो ये अलाउड नहीं है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसका ट्रेनिंग हमारी हो जाती है। तो अगर हम स्पिरिट के साथ हज करें तो हमको इसका पूरा फ़ायदा होगा, और ऐसा ही हज जो है हज मबरूर कहा जा सकता है कि जिसमें हमको दुनिया से बेरगबती हो जाए, इतना अच्छे तरीके से हम इबादत करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हज करने जाते हैं तो वो शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया से बेरगबती हमें हो जाए, आखिरत की तरफ लपक हो जाए, आखिरत से ज़्यादा हम आखिरत के बारे में सोच रहे हों, खुदा से बहुत गहरा ताल्लुक़ हो जाए, तो ऐसे उसको हज मबरूर कहा जाता है। जी, आप एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर सफीना तबस्सुम जो प्रोग्राम को देख रही हैं सहारनपुर से, उन्होंने लिखा है, जजाक अल्लाह फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ ईद उल अज़ा एंड हज। दिस इज़ एन एनुअल प्लेज टू लिव अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस लाइक प्रॉफिट इब्राहिम। अच्छा, आप अगला सवाल जो मेरा है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जब एक पिलग्रिम मक्का पहुँचता है तो ही डज अ तवाफ विच इज सरकम एम्बुलेशन ऑफ द काबा 7 times। सो इन अ वे ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज विलिंगनेस टू लीड अ गॉड ओरिएंटेड लाइफ। उसके बाद फिर एक रिचुअल आता है जब वो, आपने भी उसका जिक्र किया था, कि वो सही करता है, विच इज ब्रिस्क वॉकिंग बिटवीन टू हिलॉक्स, सफा एंड मारवा। एंड वी कैन से दैट दीज टू हिल्स, सफा एंड मारवा, आर सिम्बल्स ऑफ गॉड। तो मैं चाहूंगा इसके बारे में भी आप हम सबको बताएं। हाँ, सिर्फ सफ़ा और मरवा ही नहीं, बल्कि सफ़ा और मरवा के बारे में कुरान में आया है कि ये खुदा की यादगार हैं। इसी तरीके से वहाँ की हर चीज़ें ही यादगार हैं। मतलब है कि जहाँ खुदा अपने पैगंबरों की, जहाँ खुदा ने अपने पैगंबरों की ख़ास मदद की, तो वो चीज़ जो है वहाँ पर वो एक, वहाँ पर एक हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है कि फलां पैगंबर के साथ, जैसे हम जाएँ जहाँ हजरत हाजरा की कुर्बानी की जगह, और वहाँ पर देखें कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने वो जमजम का कुआं जाहिर किया, और वो पानी इतना ज़्यादा उसमें पानी है कि आज तक लाखों लाखों हाजी जाते हैं वहाँ, और वहाँ के लोकल लोग उसको यूज़ करते हैं, और वो आज तक वो उसी तरीके से वहाँ पानी आ रहा है। जबकि 1400 साल हो चुके हैं, तो तो बहुत ही मिराकुलस चीज़ है। ये जो अल्लाह ताला ने जी ख़ास इंटरवीन किया हिस्ट्री में और अपने बंदों की मदद की, उन बंदों की जिन्होंने अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट कर दिया था, तो ये सब खुदा की यादगारें। इन इन ऐसी यादगारों को जुडाइज्म में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हर यादगार को ऐसी जहाँ खुदा ख़ास जाहिर हुआ और खुदा ने ख़ास मदद की, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो वो उनको बाकायदा उसको पब्लिक हॉलीडे के तौर पर मनाते हैं। जी तो इन चीज़ों को हमें भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हमारे अंदर स्पिरिट भरती हैं कि हम भी इसी तरीके से करें। तो शईरा को कहते हैं अलामत या यादगार। तो ये सब रिमाइंडर्स हैं जो हमें याद कराते हैं कि अल्लाह ताला की खास खास मदद जब अल्लाह ताला की हुई। तो दूसरी बात ये है कि इंसान जो है अल्लाह खुदा को महसूस करना चाहता है, तो खुदा को महसूस वहीं पर इंसान करता है जो कि जहाँ पर खुदा जाहिर हुआ, खुदा ने ख़ास मदद की। और जैसे हजरे अस्वद है, अब खुदा ने अपना घर बनाया, खुदा का कोई घर नहीं था, वही पहला घर तौहीद का बना। तो जो हजरे अस्वद है वो थोड़ा ब्लैक स्टोन है, तो उसको लोग तरह तरह की उसके साथ बातें वाबस्ता हैं। कोई कहता है कि ये जन्नत से आया है, कोई कहता है इंसानों के गुनाहों से काला हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हजरत इब्राहिम बना रहे थे काबा, तो वहाँ तवाफ़ करना था, तवाफ़ एक मुकाम से किया जाता है, तो जब उतनी ऊंची दीवार हो गई जहाँ से हम हाथ रखते हैं ऐसे, तो हजरत इस्माइल से हजरत इब्राहिम ने कहा कि जाओ एक डिफरेंट कलर का
पत्थर ढूंढ कर ले आओ ताकि वो हम यहाँ नसब कर दें और वहाँ से तवाफ शुरू किया जाएगा। तो वो जाके एक डिफरेंट कलर का पत्थर ढूंढ कर ले आए, तो बस उसकी वही है। लेकिन बस ये बात है कि काबा बार बार गिरा है, फ्लैश फ्लड्स वहाँ आते हैं, तो कई बार गिरा है काबा, तो उसको दोबारा बनाया गया है। तो लेकिन ये पत्थर जो है वो वही हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल के ज़माने का पत्थर है, तो ये उनकी यादगार है और इस वजह से उसको बोसा दिया जाता है, उसको छुआ जाता है। तो इंसान को एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, ऐसा उसको लगता है जैसे वो खुदा को छू रहा है, खुदा का हाथ छू रहा है, उसको खुदा से कुर्बत का जो है वो एक एहसास उसको होता है। तो यही है जो हमें याद रखना चाहिए हर मौके पर, तो ताकि हमारे अंदर वो सारे जज्बात जब ही पैदा होते हैं जब हम को ये सारी चीज़ें हम फील करें। तो जैसे सही में जब आदमी सही करता है तो उसको फीलिंग आती है कि वो खुदा के लिए दौड़ रहा है, खुदा के लिए वो हर काम करने के लिए तैयार है, हर स्ट्रगल के लिए वो तैयार है। तो इसी वजह से चूँकि इंसान खुदा को फील करना चाहता था, इसी वजह से इंसानों ने खुदा के बुत बनाए ताकि उसको फील करे। लेकिन बुत बनाने का मतलब ऐसे ही जैसे इंसान का स्टैचू बनाए, तो फिर भी इंसान तो हम देख रहे हैं, उसका स्टैचू बनाएंगे तो कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस रहेगी, लेकिन खुदा तो इनविजिबल है, अनलिमिटेड है, तो उसका स्टैचू बनाना जो है उसका कोई मीनिंगलेस है, क्योंकि स्टैचू उसी चीज़ का बना सकते हैं जो हमें नज़र आ रही हो, जिस जो हमने देखी हो और उसके मुताबिक हम स्टैचू बनाएं। तो यही जो है ना खुदा और बंदे के दरमियान जो ये ताल्लुक कायम होता है वो इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से, यानी हम वहाँ जाकर हमको एक फीलिंग आती है और फिर ये एहसास होता है कि खुदा के कैसे कैसे बंदे थे, उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस दिए हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर जाकर हमको ये एहसास होता है कि इन लोगों ने खुदा परस्ती के कितने आला नमूने कायम किए हैं, और हमें भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जी, इनफैक्ट पापा आई विल से द मोरल ऑफ द स्टोरी और द टेक अवे फ्रॉम योर आंसर इज दैट इफ अ बिलीवर डिस्पाइट फेसिंग हार्डशिप कीप्स हिज फेथ अलाइव एंड ट्रस्ट इन गॉड, देन मिराकुलस हेल्प ऑफ गॉड विल कम फॉर दैट पर्सन in the same manner as he saved the child Ishmael by the miracle of the Zamzam spring. So it's a big takeaway and a big hope for all the believers who believe in God and then observe patience. Aap agla sawal mera yehi hai ki haj ke arkan ke waqiat jaise tawaf, sa'i, qurbani wagaira, iske bare mein aap hum sabko bataye. हज का सबसे जो मनासिक है उसमें सबसे पहले तो एहराम है, तो हाजी को बिल्कुल सादा कपड़ा पहनना पड़ता है, वो बिल्कुल वो भी जो जेंट्स हैं उनके लिए बगैर सिला कपड़ा, एक नीचे और एक ऊपर, यहाँ पर एक हाथ खुला हुआ रहता है जी। ऐसी डाल लेते हैं ऊपर से चादर की तरह जी जी। तो बिल्कुल सादा कपड़ा, तमाम लोग एक ही सफ़ेद कपड़ा पहने रहते हैं, तो ये उसका निशानी है कि इंसान ने अपनी तमाम ज़रूरतों को बिल्कुल महदूद कर लिया है, लिमिट में कर लिया है, और अपनी तमाम वो अपने तमाम रिसोर्सेज को वो खुदा के लिए वक्फ कर देगा। तो इसी तरीके से जैसे तवाफ है जी, तो तवाफ ये है कि हम खुदा के आगे जो हैं उसी के आगे हम हमारी पूरी ज़िंदगी रिवॉल्व करेगी, खुदा से हमको इतना गहरा ताल्लुक है कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमें खुदा मिल गया है, खुदा का घर है ये, हमें खुदा का मिल गया है, और हम उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और बिल्कुल उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। तो ये वहीं जाकर एहसास होता है। फिर बहुत सारे लोग जब वहाँ पर हज कर रहे होते हैं, वही सब अरकान अदा कर रहे होते हैं, तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। अब सही का वही है कि हम खुदा के खातिर हम सारी स्ट्रगल जो है वो हम कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है हमको हज़रत हाजरा की स्ट्रगल, हज़रत इस्माइल की स्ट्रगल और दूसरे प्रॉफिट्स की स्ट्रगल याद आती है, तो
तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि इसी तरीके से हम भी खुदा के लिए स्ट्रगल करेंगे। जब हम रमी जमार करते हैं यानी शैतान पर पत्थर मारते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि जब भी हम खुदा का काम करेंगे, खुदा के दीन का काम करेंगे, तो हमें शैतान बहकाएगा, तरह तरह के मसाइल हमें पेश आएंगे, तरगीबात होती हैं, टेम्पटेशंस होती हैं, तो वो भी अलामती है। लोग बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं और स्टैम्पीड हो जाता है, कितने लोग मर जाते हैं, ये सब नहीं, वो अलामती है। दूर से भी एक छोटा सा पत्थर आप मार दें तो वो हो जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर वो फीलिंग पैदा करनी है कि जब भी शैतान हमारे पास आएगा तो हम उसको भगाएंगे। ये नहीं कि वहाँ कोई वो पत्थर जो है वहाँ पर लगा हुआ, ये नहीं कि उसी के अंदर शैतान बैठा हुआ है, शैतान हमारे अंदर बहकाता है। तो वहाँ तो हम सिर्फ ये आज़म करते हैं कि जब भी हमें शैतान बहकाएगा तो हम उसको भगाएंगे। तो कुर्बानी का वही है कि जब हज़रत इब्राहिम ने इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए कि अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, तो फिर वो हमें एहसास होता है कि जानवर की कुर्बानी करने से हमें ये एहसास होता है कि हमें भी इसी तरीके से अपनी कुर्बानी करना है। कुर्बानी जान की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने माल की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी, अपनी एनर्जी की कुर्बानी, ये सब कुर्बानी दरकार है। तो जब हम मैदान अरफात में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम क़यामत का मंजर है, तमाम लोग खुदा के आगे जमा हैं और अपने हिसाबदेही के लिए, जवाबदेही के लिए तैयार हैं वहाँ पर, तो ये एहसास होता है। तो ये एहसास पैदा करने के लिए कुछ टेंजिबल साइंस चाहिए होती हैं। जैसे एक आदमी थे, वो उनको मौत को याद करने के लिए वो जाके कभी कभी कब्र में लेट जाते थे, क्योंकि हम दूर रहते हैं तो हमें याद नहीं आती है, तो वो कब्र में लेट जाते थे, उसको याद करते थे जी। तो ऐसे कुछ इंसान जो है एक इमोशनल मखलूक है, इमोशनल क्रीचर है, तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो जाए और इन लोगों इन चीज़ों को फील करे, क्योंकि इंसान एक साइकोलॉजिकल क्रीचर है जी, जी, जी। तो वो फीलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त वो जगह है जी। अब मेरा आखिरी सवाल है, एज वी नो दैट यू नो हज टेक्स द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल गैदरिंग एज मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मीट वन अनदर ऑन दिस ओकेजन, सो इन अ वे इट प्रोड्यूसेस यूनिवर्सैलिटी अमंग द मुस्लिम्स। सिमिलरली इफ यू सी आपा, देन दावा एक्टिविटी ऑल्सो प्रोड्यूसेस यूनिवर्सल थिंकिंग, बिकॉज वन इज मेड टू थिंक एट द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। So my question is that how does Hajj gives a lesson of universal dawa work? इसके बारे में बताएं। तो हज की जो पूरी तारीख है वो यही है कि वहाँ पर खुदा ने प्लानिंग की कि किस तरीके से बंदों तक खुदा का पैगाम पहुँचाया जाए, तो ये तो उसकी पूरी तारीख में इंटरवोवन है। तो ये हजरत हाजरा को इसीलिए वहाँ बसाया गया, फिर उसके बाद जो एक नस्ल पैदा हुई 2500 साल के बाद, तो उस नस्ल ने किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और फिर उस नस्ल ने तमाम कुर्बानी दे करके और उस दीन तौहीद को गालिब किया। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो उसकी तारीख में शामिल है। तो असल में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मुसलमान एक दावती गिरोह हैं, उनका ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि खुदा के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, जिसको शहादत अलन्नास कहा गया है। तो ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और ये वहाँ पर जाकर इसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक किस लिए कहते हैं, खाली इसलिए थोड़ी कि हम हरम में आ गए हैं, बल्कि ये कि हम हाजिर हैं अल्लाह ताला तेरी हर काम के लिए, तेरी हर रज़ा के लिए, तेरी हर जो भी हमसे तू कहेगा उसके लिए हम हाजिर हैं, अपनी ज़िंदगी को हम डेडिकेट करते हैं इस मकसद के लिए, अपना पूरा असासा हम अपना दे देंगे, अपनी उम्र दे देंगे, अपना सब कुछ दे देंगे, अपनी औलाद को इसी के लिए तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर जो अरफात में जो आपका जो
फाइनल पिलग्रिमेज का जो सरमन है उसमें आपने ख़ास तौर पर ये बात कही कि जो लोग यहाँ हाजिर हैं वो उन लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका इतना असर हुआ, देखिए जब हम किसी बात को उसकी स्पिरिट में लेते हैं तो कितना उसका असर होता है कि कहा जाता है कि सारे सहाबा जो हैं वो सब इस बात को सुनने के बाद ज़्यादा जिधर उनका ऊँट था खड़ा उधर ही निकल गए, घर भी नहीं गए अपने कि अपना साजो सामान लेकर के अपने तैयारी करके जाएं, बल्कि वो निकल गए खुदा का दीन पैगाम खुदा का मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों को, और सारी दुनिया में उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया जबकि वो लोगों की जबान नहीं जानते थे, उनके पास सारी सहूलतें नहीं थी जो आज हमारे पास है, लेकिन वो जज्बा उनके अंदर था, उस जज्बे की वजह से उन्होंने सारी दुनिया में खुदा का पैगाम पहुंचा दिया। तो हम वहां जाकर ये प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि वो एक ग्लोबल गेट टुगेदर है, सारी दुनिया के लोग वहां पर आते हैं, तो अगर हमारे अंदर ये एहसास हो कि हम एक दावती गरोह हैं तब हम इस जो गेट टुगेदर है एक आलमी गेट टुगेदर उसको पूरे तरीके से हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे अंदर ये एहसास है ही नहीं तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से कुछ काम नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को ये जानना है कि वो एक दावती गुरु हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद है लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाना, और यही चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं तो इस वजह से उनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा कि उस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाए, इस वजह से उम्मत मुहम्मदी की ये जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए, और जब तक इस पैगाम को दूसरों तक नहीं पहुंचाएगी वो उम्मत मुहम्मदी कहने के काबिल नहीं है, खुदा के यहाँ वो उम्मत मुहम्मदी कहलाने के वो हकदार नहीं होगी। इस वजह से हमें इस रोल को हर हालत में अदा करना है, इसी रोल की अदायगी पर हमारी आखिरत की निजात मुनहसर है। जी जज़ाकल्ला आपका, आपने बहुत अच्छे से आज स्पिरिट ऑफ हज के बारे में हमें बातें बताई, आई एम श्योर एवरीबडी वुड हैव लव्ड इट। बट बिफोर वी एंड दी सेशन देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वील बी रिलीजिंग अ न्यू बुक ऑफ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब। दिस बुक इज़ अ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ स्पेशल एडिशन ऑफ अल रसाला ऑगस्ट 2003। As you remember that Maulana Wahiduddin Khan traveled to Switzerland a few times, and his last travel was in October 2002, wherein he was also given an award by Nuclear Disarmament Forum. Thereafter, he had published a special edition with the title Switzerland Ka Safar. The same translation has, publication has been translated now in English by none other than Professor Farida Khanum. The English title is My Journey to Switzerland, The Road to World Peace. So I will request Farida Appa to launch this book. Okay, so we will end today's session. We'll be back next Sunday, same time, 10:30 a.m. Thank you.